ओके जी, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। काफी सारी डिस्कशन कर ली है एंड नाउ आई वांट टू बी डिस्कसिंग ऑन दिस। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर वन। व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर वन? एक्सरसाइज नंबर वन ये है कि लेट मी गिव यू द सर्किट सबसे पहले। ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक रेजिस्टर है, फिर उसके साथ एक फिलामेंट लैंप है, ठीक है जी, फिर उसके साथ क्या है, एक और रजिस्टर है, और फिर ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैटरी है, बैटरी आपकी जो है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है, और आपका जो रेजिस्टर है ये पहले वाला, ये 4 ओम का है। फिलामेंट लैम्प की भी रेजिस्टेंस है इसमें, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। जो आपका दूसरा वाला रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, ठीक है जी। ये आपका सर्किट है, दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। पूरे पूरे सर्किट में बताया हुआ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर वन क्या है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर वन ये है कि कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू गिव वोल्टेज रीडिंग अच्छा लेट्स से टू गिव इसको छोटा करके लिखते हैं, टू गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टर। कुछ बाहर चलता हुआ लग रहा है ना, परिंदा होगा कोई केरी परिंदा। अच्छा, सो क्या करना है, हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है टू गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टर। तो इस सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे लगाऊं कि मेरे पास 4 ओम वाले रेजिस्टर का वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, तो बेसिकली मिर्जैन अब्दुल्ला आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, 4 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यानी 4 ओम वाले रजिस्टर के पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो ऐसे, ठीक है। तो हमने इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये मुझे क्या दे देगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 ओम वाले रेजिस्टर का वोल्टेज दे देगा, ठीक है। कनेक्ट एन एमीटर टू गिव करंट ऑफ दी फिलामेंट लैम्प। तो इस सर्किट में एमीटर कैसे लगाऊं कि मुझे फिलामेंट लैम्प का करंट मिल जाए, कहीं भी लगा दें। तो मीरजैन कह रहे हैं कि यहां लगा दूं, इस तरह बोल रहे हो, तो मीरजैन का आंसर भी ठीक है, एमीटर यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या है, ये एक सीरीज सर्किट है पूरा, तो सीरीज सर्किट में करंट क्योंकि हर जगह सेम रहता है, तो आप जो है वो एमीटर चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लैम्प से पहले भी लगा सकते हो, बैटरी से पहले भी लगा सकते हो, बैटरी के बाद भी लगा सकते हो। क्यों? बिकॉज पूरा सर्किट क्या है, सीरीज है, तो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो सब में से वही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। बट फॉर कंसिस्टेंसी और थोड़ी बात जो है वो रिव्यू करते हुए समझ में आए, एमीटर सीरीज में लगाना है। अगर तो पूरा सीरीज सर्किट है तो कहीं भी लगा लो पैरेलल, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए, तो अब तुम्हें अगर पूछ रहे हैं एम करंट निकाल दो इस वाले रजिस्टर का नीचे वाले का, तो तुम इसके सीरीज में लगा दो, यहाँ लगा दो एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा जिस भी चीज का ढूंढना है। अब यहां पे भी लगा सकते हो, इससे पहले भी लगा सकते हो, हाँ ऊपर वाली ब्रांच में लगा सकते, क्यों? बिकॉज इधर करंट स्प्लिट होके आया है, इन दोनों के अंदर जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा बिकॉज दीज आर इन पैरेलल, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस चीज पे, अब आ जाते हैं अच्छा सही के सवालों पे, क्योंकि ये तो बड़े बच्चों वाले सवाल थे। क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों से क्या है क्वेश्चन? द लैम्प रिक्वायर्स 3 वोल्ट्स टू टर्न ऑन, विल इट टर्न ऑन इन दिस सर्किट? सो मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि लैंप को चलने के लिए, लैंप अपनी रोशनी दे, उसको 3 वोल्ट चाहिए, ठीक है जी। तो क्या लैंप जो है वो इस सर्किट में चलेगा, विल द लैंप लाइट ऑन? मिर्जैन कह रहे हैं हाँ चलेगा। मिर्जैन इतना सिंपल है कि हाँ ना बोलना था या मैथमेटिक्स करनी है, मैं इसमें कुछ कुछ ना कुछ तो होगा, विद मार्क्स 5 मार्क का सवाल है, नहीं 2 मार्क का सवाल है। चलो
चल जाएगा, अंदाजा लगाया हाँ मीर जैन साहब ने, चल जाएगा। अब्दुल्ला आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं चलेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 12 वोल्ट क्या है, टोटल वोल्टेज है ना। अच्छा जो करंट अभी फ्लो करेगा, क्योंकि सब सीरीज में है, तो वो करंट भी टोटल करंट एक ही करंट है ना। जो करंट बैटरी में से निकल रहा है वो सब में से ही जाएगा। अच्छा और अगर मुझे टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, इफ आई हैव द टोटल वोल्टेज, मैं उसको कैसे ढूंढ सकता हूँ, यूजिंग टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस है ना। V इक्वल्स टू आई आर, टोटल टोटल सारा हिसाब है, तो वोल्टेज टोटल इक्वल टू करंट टोटल इनटू रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है। अच्छा वोल्टेज टोटल क्या है, वोल्टेज टोटल जो है वो मेरा 12 वोल्ट, करंट टोटल मेरा क्या है वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ है ना। रेजिस्टेंस टोटल क्या है मेरी, मेरी रेजिस्टेंस टोटल है 4 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, सीरीज में है सारे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, सारे सीरीज में है, सो 4 प्लस 1 प्लस 3। अच्छा और अगर आप अब करंट की वैल्यू निकालोगे, तो करंट की वैल्यू आती है 12/8, विच इज बेसिकली 1.5 एम्पियर्स है ना। 1.5 एम्पियर्स इस पूरे सर्किट में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, यानी इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में 1.5 एम्पियर जा रहे हैं, इस फिलामेंट लैंप में से भी 1.5 एम्पियर जा रहे हैं, इसमें से भी 1.5 एम्पियर जा रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी में से भी 1.5 एम्पियर जा रहे हैं। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है लैंप का वोल्टेज, तो हमें लैंप की रेजिस्टेंस पता है, हमें लैंप का करंट पता है, तो हम लैंप का वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर से दोबारा से है ना। तो अब जो है वो सिर्फ फिलामेंट लैंप पे बात करेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर। करंट क्या है हमारा, करंट हमारा 1.5 है जो लैंप में फ्लो करता है। रेजिस्टेंस क्या है हमारी, रेजिस्टेंस जो है लैंप की वो 1 ओम है। सो वोल्टेज क्या आ गया, वोल्टेज आ गया 1.5 वोल्ट है ना। तो यानी इस लैंप को सिर्फ और सिर्फ 1.5 वोल्ट मिल रहे हैं, चलने के लिए उसको 3 वोल्ट चाहिए थे, तो इट विल नॉट टर्न ऑन, ठीक है, समझ में आया, दी लैम्प विल नॉट टर्न ऑन। एक्चुअली तो अभी मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे करवाऊंगा, लेकिन इनकी सबकी जनरल वर्किंग एक ही होगी और सब क्वेश्चंस एक ही तरीके से होंगे, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ओ लेवल्स में कोई भी और नई कहानी नहीं थी, सब V इक्वल्स टू आई आर ही था। तो अभी भी हम सिर्फ ओ लेवल की डोमेन में ही है, अभी आगे ए लेवल फिजिक्स में नहीं आए, हम ओ लेवल ही पढ़ रहे हैं अभी। तो होगा ये कि आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप देखने की कोशिश करोगे कि आपको फॉर एग्जाम्पल पूछा हुआ है किसी भी चीज पे वोल्टेज बता दो क्या है, तो आपने तो सबसे पहले ये निकालना है कि आपको उस चीज के बारे में क्या क्या पता है। जैसे अगर 3 ओम वाले रेजिस्टर का वोल्टेज निकालने को बोलते, तो आपको अभी फिलहाल सिर्फ उसकी रेजिस्टेंस पता थी है ना। अच्छा अब आप ये सोचोगे मुझे करंट मिल सकता है या मुझे वोल्टेज ही डायरेक्टली मिल सकता है, सीरीज में है तो वोल्टेज तो सेम नहीं होगा, मतलब 12 12 12 नहीं होने वाला है, तो यानी 12 टूट रहा है सब में सीरीज में, ठीक है, तो इसका मतलब है करंट ढूंढना पड़ेगा। अब नजर आ रहा है सीरीज में है, तो तुमने टोटल करंट निकाल लिया, वो टोटल करंट भी इसका भी करंट होगा, ठीक है। तो होगा ये कि आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे, आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि V इक्वल्स टू आई आर में से कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है, कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी पड़ेगी और बहुत आसानी से निकल सकती है, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपका ऑपरेटर है वो करके तीसरी चीज निकाल लोगे, जो भी वो पूछ रहे होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी आर टेक्निक विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द सर्किट स्टेज ऑन फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के लिए सर्किट चलता है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोड एंड दी वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज, ठीक है जी। सो क्वेश्चन को एक ज़रा दफा मैं बाहर से बता देता हूँ, क्या पूछ रहा हूं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सर्किट जो है वो ये वाला मैंने कनेक्ट करके रखा और चालू रखा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक ये सर्किट चलता रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, जो टोटल करंट सॉरी जो टोटल इलेक्ट्रॉन से चार्ज था जो इस करंट में से, जो इस सर्किट में से फ्लो हुआ है, आप मुझे वो निकाल के दे दो, और दूसरी बात ये निकाल के दे दो कि उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगा है
इस पूरे 1 घंटे के दौरान वो कितना वर्क डन लगा है। सो अब्दुल्ला, विच फॉर्मूला आर वी यूजिंग फॉर दी चार्ज? तो यानी करंट क्या हुआ? करंट इज डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही हुआ। तो बेसिकली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसा ही है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के लिए क्या चाहिए होगा? टोटल टाइम, टोटल करंट चाहिए होगा और टोटल टाइम चाहिए होगा, है ना? टोटल करंट है, टोटल करंट है 1.5 एम्पीयर्स। टोटल टाइम है, टोटल टाइम भी 1 घंटा भी है हमारे पास। टोटल चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सो टोटल चार्ज कैसे आएगा? टोटल चार्ज आएगा थ्रू करंट क्या है, 1.5 इंटू आर को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करके, यानी 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। ठीक है जी? तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब्दुल्ला, टोटल चार्ज क्या आ रहा है? आई बिलीव इट्स कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू, 5400 कूलम्स। यस, थैंक यू। सही है, समझ में आया? अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें ये निकाल दें कि वर्क डन क्या हुआ है, क्या काम करना पड़ा इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। कोई फॉर्मूला तो दिमाग में आ रहा है? सो अब्दुल्ला बता रहे हैं कि हमें पता है, हमें पता है क्या पता है? वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला है वोल्टेज का। तो अगर आपको वर्क डन चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? वो वोल्टेज इंटू चार्ज से निकलेगा, है ना? अच्छा, अगर आप टोटल चार्ज के बारे में बात करो तो आपको टोटल वोल्टेज चाहिए होगा, उसी से आएगा टोटल वर्क डन। तो जो हमारा टोटल वर्क डन है वो कैसे आएगा? टोटल वोल्टेज जो था वो 12 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट। और टोटल चार्ज क्या था? टोटल चार्ज हमें हमने निकाला 5400 कूलम था, जो 1 घंटे में फ्लो हुआ है। तो टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ जाती है 64,800 जूल्स। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बैटरी ने दे दी सर्किट को। ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन बन चुकी है, जो बैटरी ने सर्किट को दी। ठीक है, क्लियर अब्दुल्ला? क्लियर अब्दुल्ला? तो वैसे आंसर देने, वेरी गुड अब्दुल्ला। अच्छा, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, व्हाट वाज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर फॉर 1 आवर? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आपने जो अभी मुझे वर्क डन की वैल्यू दी है वो टोटल वर्क डन की वैल्यू दी है किसकी? बैटरी की, क्योंकि आपने टोटल वोल्टेज किया इस्तेमाल होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वर्क डन हुआ होगा उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्क डन की वैल्यू क्या है, गिवन वो अभी भी 1 आवर के लिए चलाया है? जो वर्क डन बैटरी ने किया, क्या वो वर्क डन 3 ओम वाले रजिस्टर के बराबर होगा? वोल्टेज लगा रहा हो ना, टोटल बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, वो कुछ कम होगा ना। वो कैलकुलेट कर लेते क्या है वो वैल्यू, वो निकाल लेते हम। वही चीज है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, वर्क डन निकालना है 3 ओम रजिस्टर का जो 1 आवर में हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि वो वर्क डन कैसा आएगा, वो उसी वोल्टेज अपॉन चार्ज से ही आएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज से आएगा। ठीक है, लेकिन इस दफा किसका निकालना है? सिर्फ 3 ओम रेजिस्टर का लगा निकालना है। तो हमें वोल्टेज लेना होगा 3 ओम रेजिस्टर का, करंट भी इसी का लेना होगा, चार्ज भी इसी का लेना होगा, टाइम भी इसी का लेना होगा। ठीक है, तो अब हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो करंट तो हमें पता है ऑलरेडी क्या है, 1.5 एम्पेयर है। ठीक है, फिर टाइम क्या दिया है हमें? 1 आवर ही दिया है। ठीक है, सो करंट वही है। ठीक है जी, अब जब करंट डालूंगा और टाइम भी वही डालूंगा तो चार्ज क्या आएगा? टोटल चार्ज वही आएगा। मतलब बेसिकली अगर करंट वही है पूरे सर्किट में, तो इसका मतलब है जो चार्ज बैटरी ने दिया वही चार्ज सब में से फ्लो हुआ है 1 घंटे में। तो यानी इसका चार्ज भी क्या है? इसका चार्ज भी 5400 कूलम ही है। वो कैसे? 1.5 इंटू 60 इंटू 60, वही कैलकुलेशन आ। सो इसका जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो 5400 कूलम। ठीक है अब्दुल्ला, बात समझ में आ रही है ना? 5400 कूलम है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन है वोल्टेज अपॉन
वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ वोल्टेज में फर्क है, चार्ज वो ही है, वोल्टेज में फर्क है। वोल्टेज निकाल लेते हैं इसका, वोल्टेज कैसे निकलेगा, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, सो 1.5 इंटू 3, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वोल्टेज आ जाएगा, राइट। सो 1.5 इंटू 3 आई आर विल गिव मी वी, इसका आई इसका आर, ठीक है। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं ली मैंने, मैंने सिर्फ इसकी वोल्टेज की बात की, मैंने सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस ली और जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा वो लिया, तो मेरे पास उसका वोल्टेज आ गया। एंड देन फिर उसके अंदर से उसके जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये आ जाएगा आपका वर्क डन, जिसकी वैल्यू आ रही है 24,300, ऐसा ही है, 24,300 जूल्स ऑफ वर्क जो है, क्या वर्क हुआ, असल में पूरी बैटरी ने 64,800 जूल्स दिए, उसमें से 24,300 सिर्फ इसमें से वो चार्ज फ्लो करवाने लगे, बाकी सारी एनर्जी कहाँ गई, बाकी सारी एनर्जी फिलामेंट लैंप में से गई होगी, बाकी सारी एनर्जी दूसरे वाले रजिस्टर में से गई होगी, तो ये सब कहानी होती है। तो यू नीड टू रियलाइज व्हाट, एक सीरीज सर्किट में क्या चीजें डिफरेंट है वो याद रखनी है, एक पैरेलल सर्किट में क्या चीजें डिफरेंट है वो याद रखनी है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या क्या चीजें सेम रहती है, जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, ये चीजें याद रखनी, कौन सी चीजें डिफरेंट है ये याद रखनी है। फिर V इक्वल्स टू आई आर सही होंगे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस, जो सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी होगी वो मोस्टली V इक्वल्स टू आई आर से ही हो रहे होंगे, बस आपने रियलाइज करना होगा कि कौन सी चीज मुझे पता है, कौन सी चीज मैं निकाल सकता हूँ, और फिर उसके जरिए से हम तीसरी चीज निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज नंबर टू, ठीक है जी, सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज नंबर टू। अच्छा नो व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर टू, सो दिस इज जॉन्स सर्किट, ठीक है, ये जॉन का सर्किट है और कहीं बीच में स्विच भी लगा देते हैं, तो जॉन ने जो है वो एक स्विच भी ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है जी, सही है, ये जॉन का पूरा सर्किट है जो इस बच्चे ने अभी बनाया बैठ, ठीक है। एक और चीज भी जॉन ने करी, जॉन ने जो है वो एक एम मीटर भी यहाँ पे लगाया हुआ, सही है। अच्छा क्वेश्चन ये है, आई एम गोइंग टू गिव यू सम वैल्यूज एज वेल, लेट्स अच्छा चलो बस इतना ही रखते हैं इसको। अच्छा दिस इज रेजिस्टर आर और ये एक फिलामेंट लैंप है एफ, ठीक है। अच्छा ना क्वेश्चन क्या है, जॉन closes the switch, predict what happens, तो जॉन जब स्विच बंद करेगा तो क्या होगा, तुम कह रहे हो लैंप चल जाएगा, सर्किट को गौर से देखो, सर्किट को गौर से देखो अब्दुल्ला, एक तुमने की पॉइंटर बिल्कुल सही बताया है, और क्या चीजें हैं इसमें जो सही नहीं है क्यों नहीं चलेगा, अच्छा अब दोनों आ गए हैं कि नहीं चलेगा, स्विच गलत लगा हुआ है, अच्छा हाँ सही बोला सही बोला सही बोला है, तो सब चीजें आ गई हैं। अच्छा दिस सर्किट विल नॉट वर्क, ठीक है, होगा क्या, मोस्ट प्रॉब्ली ये बैटरी गर्म होके फट जाएगी, ये बैटरी गर्म होके फट जाएगी या तो ये स्विच गर्म होके फट जाएगा। अच्छा नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आंसर क्या लिख रहा हूं मैं, दी लैंप डज नॉट टर्न ऑन, टर्न ऑन बैटरी हीट्स अप, ठीक है जी, स्लैश बैटरी हीट्स अप, बैटरी एंड स्विच हीट अप, लेट्स से दैट। अच्छा ओके ना हुआ क्या है, जॉन ने जो सर्किट बनाया है, सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि इसने जो बैट सेल लगाए हैं सीरीज में वो ही उसने गलत लगा दिए हैं, वो क्यों गलत लगाए हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलना चाहिए था उसके साथ, राइट, जो अगर सीरीज में लगाते हैं हम तो हाउ डू यू पुट इट, यू पुट इट एक के बाद एक, है ना, वो कहां गई स्लाइड, ये रही, यू पुट इट एक के बाद एक, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इस तरह से लगती है सारी चीजें सीरीज में,
इसमें जो इसने लगाया है, इसने क्या लगाया, इसने एक बैटरी बैटरी सीधी लगाई, दूसरी उसकी उल्टी लगा दी। तो अगर ये दोनों सेम आइडेंटिकल सेल्स थे तो क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा बल्कि ये भी दूसरी लाइन भी गलत जाएगी, पहले शुरू में ही चलेगा सर्किट, तो बस ये सही है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इसने बैटरी ही गलत लगाई है। अच्छा अब चलो बात कर लेते हैं कि अगर ये बैटरी सही लगा देता, व्हाट इफ ही कनेक्टेड द बैटरी करेक्टली, तो फिर भी सर्किट नहीं चलता। वो क्यों नहीं चलता, अगर मैं इसको मिटा के क्या कर दूं, मैं इसको मिटा के यूं कर दूं कि अब ये बैटरी जो है वो बिल्कुल सही से लगी हुई है, तो फिर भी ये सर्किट नहीं चलता जब मैं ये स्विच क्लोज कर देता। वो क्यों नहीं चलता, वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहां से जो करंट निकल रहा होता वो इधर ही क्लोज हो जाता और इधर ही बैटरी में चल जाता। वो वहां से क्यों जाए, उधर रेजिस्टेंस वाला पाथ है, उधर आपके पास रेजिस्टेंस है पाथ में, तो वहां से क्यों जाएगा, क्यों अपने आप को हिंडर करवाएगा। भाई मकसद क्या होता है करंट का, करंट का मकसद होता है पॉजिटिव से चलाया नेगेटिव में आ जाए, यही मकसद है ना करंट का। तो अब जब उसको रेजिस्टेंट वाला पाथ में मिल रहा है और उसको जब एक पाथवे मिल रहा है जहां से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो कौन सा चूज करेगा, वो ये वाला चूज नहीं करेगा, यही चूज करेगा ना। तो इवन इफ यू कनेक्टेड द बैटरी करेक्टली, तो दूसरा क्या होता, ये चीज होती, वो लेस रेजिस्टेंट पाथवे चूज करता, एसी में ही जाता रहता जाता रहता जाता रहता, या तो ये होता स्विच फट जाता गर्म होके, या ये होता बैटरी खराब हो जाती गर्म होके, ठीक है। अच्छा ना ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट होना, ठीक है जी। अक्सर बच्चों ने अपने घरों में ये बात सुनी होगी कि बिजली की तारें जो है वो शॉर्ट हो गई, या कोई चीज शॉर्ट हो गई। तो शॉर्ट होना क्या होता है, व्हाट इज अ शॉर्ट, ठीक है जी, इसको भी समझ लेते हैं। कोर्स में नहीं आपके, लेकिन क्योंकि सब लोग जो है वो शॉर्ट शॉर्ट करते रहते हैं, किसी को शॉर्ट समझ में आता नहीं है होता क्या है हकीकत में। तो शॉर्ट जो है वो ये होता है कि एक चीज को नो रेजिस्टेंस का पाथवे दे दो, यानी एक चीज को, एक करंट को जीरो रेजिस्टेंस का पाथवे दे दो। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट ये होता है कि यू गिव जीरो रेजिस्टेंस का पाथवे, ठीक है जी, यू गिव जीरो रेजिस्टेंस पाथवे। अच्छा अब बताता हूं करंट क्या कर रहा है, मतलब देखो क्या मतलब है इस बात का कि दुनिया में अगर एक सर्किट को चलता हुआ रखना है तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट, ठीक है जी, वरना क्या होगा, वरना ये होगा। अच्छा हमें क्या पता है, हमें पता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, है ना, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब अगर मैं रेजिस्टेंस जीरो कर दूं तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय जीरो, व्हाट इज एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, नहीं 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, हाँ नहीं भाई क्या हो गया, इन्फिनिट ना, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी, सही है। सो बेसिकली शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में करंट इंफिनिटी हो जाता है। एक शॉर्ट सर्किट क्यों, उसमें धमाके होते हैं, उसमें धमाके इसलिए होते हैं क्योंकि बिकॉज आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, वो हो जाती है जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो होती है तो करंट को क्या मौका मिल जाता है, करंट हो जाता है इन्फिनिट, और जब भी किसी भी चीज में से इन्फिनिट करंट जाती है धमाका होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट करंट जब जाता भी, थोड़ी अब ये सर्किट्स वगैरह कर लेंगे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन्फिनिट करंट के बहुत सारे ऑब्वियसली नुकसान है, क्या नुकसान है, चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती इन्फिनिट करंट, एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कोई भी चीज इस इन्फिनिट करंट की वजह से अवन टोस्टर बन जाएगी, मतलब गर्म होके जल जाएगी, क्यों जलेगी वो हम बात करेंगे, लेकिन ये मसले होते हैं शॉर्ट की वजह से, ठीक है। तो जब भी देखा हुआ शॉर्ट होता है तो आग लगती है, आग क्यों लगती है, क्योंकि चीजें गर्म होना शुरू जाती है, गर्म होती है आग पकड़ लेती है, शॉर्ट में सबसे पहली चीज ये होती है। और शॉर्ट में दूसरी चीज क्या होती है, घर की अप्लायंसेस खराब हुई भी होती है, फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, क्यों खराब हो गया, क्योंकि वो अच्छा होता क्या है, देखो करंट जब इन्फिनिट हो गया, अब सपोज करो मेरे मेन बॉक्स में शॉर्ट हो गई कोई तार, अब मेरे मेन बॉक्स में अगर कोई शॉर्ट हो गई ना तार, तो बेसिकली ये चीज इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी फट जाएगी, फटती है ओपन सर्किट हो जाता है। स्विच क्या था, स्विच बंद करने के लिए था ना, तो अब अगर किसी चीज में इन्फिनिट करंट भेज दो, जब वो गर्म होकर पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी या फट जाएगी, तो क्या होगा, ओपन सर्किट बन गया वो, फिर करंट रुक जाता है उससे। तो मतलब करंट इतना ज्यादा फ्लो करता है वो चीजों को जो फटती हैं, अल्लाह का शुक्र करो चीजें फट जाती हैं, क्योंकि अगर चीजें नहीं फटेंगी
तो वो करंट इन्फिनिट पे इन्फिनिट जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। वो ऑब्वियसली खत्म हो गया भाई, देखो अब सर्किट ही ब्रेक हो गया, तो जब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना। ठीक है अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? तो शुक्र करो अल्लाह का, अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है, वो भी मैं समझाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है कि चीजें गर्म होने की वजह से, करंट के गर्म होने, करंट ज्यादा जाने की वजह से चीजें पिघल के खुद ही टूट जाती है। अगर ये चीजें टूटे ना और करंट जाता रहे तो फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स और बहुत ज्यादा और नुकसान हो सकता है, ब्लास्ट होंगे, बहुत ऐसे ऐसे ब्लास्ट होंगे। ठीक है अच्छा, तुमने क्या पूछा? तुमने पूछा सर्किट ब्रेकर वाली कहानी, बट वायर भी तो इटसेल्फ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो तभी करंट इन्फिनिट ही नहीं होगा। यस अब्दुल्ला, लिमिट है, एक लिमिट है ना वायर की रेजिस्टेंस होगी। यू आर करेक्ट, वायर की रेजिस्टेंस है, एक लिमिट है। ऑब्वियसली हकीकत में दुनिया में लिमिट है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है उस वायर की, उसकी वजह से क्या होगा, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो वायर ही पिघलता है। शॉर्ट सर्किट में क्या चीज पिघलती है? तार पिघलता है, आपकी तार पिघलती है। अच्छा, और इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने एक डिवाइस सुनी होगी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का नाम सुना है? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज ये इसका एक मेटल कॉन्टैक्ट है, दिस इज अ मेटल कॉन्टैक्ट, ये वाला भी मेटल कॉन्टैक्ट है। और क्या होता है, हमने इसमें से बहुत ही पतली सी तार यहां पे डाली। कोई भी फ्यूज कभी भी देखोगे ना, एग्जैक्टली इस तरह से चीजें बचाते। तो इसमें हमने एक बहुत पतली सी तार डाली हुई होती है। अब जैसे अब्दुल्ला ने बोला हर तार की रेजिस्टेंस है, हकीकत में हर चीज की रेजिस्टेंस है, अब्दुल्ला यू आर करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये इसमें से बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, ये तार गर्म होके पिघल जाएगी, ओपन सर्किट बन गई, स्विच खुल गया, करंट बंद, चीज बच गई फटने से, चीज खराब होने से बच गई। नॉर्मल करंट अच्छा, फ्यूजेस की, फ्यूजेस जो है ना उनकी रेटिंग्स आती है। रेटिंग्स मतलब कुछ फ्यूज होते हैं 10 एम्पेयर के, कि मतलब जब करंट 10 एम्पेयर तक पहुंचता है तब खराब होते हैं, उससे पहले तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपनी अप्लायंस के हिसाब से सेट करते हो, कि अगर फ्रिज तुम्हारा सपोज करते हैं 10 एम्पेयर पे चलता है तो तुम 15 एम्पेयर का फ्यूज लगाओगे ताकि फ्रिज चले अपने आराम से, लेकिन जब करंट शॉर्ट सर्किट हो भी तो जाहिर बात है करंट तो इन्फिनिटी भी जाएगा, अच्छा इससे अप्लायंस बच जाएगी, क्योंकि करंट इन्फिनिटी भी जा रहा था, 15 एम्पेयर पे रुक गया, खत्म हो गया, करंट जीरो हो गया। यस, तो फ्यूज इस तरह से होते हैं। और ये भी एक चीज, एक कहानी है जो आपके ओ लेवल्स में हुआ करती थी आई गेस, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें से हटा दिया गया था। तो ये कहानी है आपकी शॉर्ट। ठीक है अब्दुल्ला समझ आया, तुम्हारी डिस्कशन क्लियर हुई। अब आपने गलतियां निकाली, क्या गलतियां निकाली? एक तो बैटरी गलत कनेक्टेड थी, दूसरी आपने गलती निकाली स्विच शॉर्ट शॉर्ट कर देगा, तीसरी गलती अब्दुल्ला ने बताई थी भाई रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज में लगाना चाहिए था एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर पैरेलल में लगा हुआ है, यानी गलत लगा हुआ है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अच्छा सीरीज, कुछ भी नहीं देगा, क्या देगा, पैरेलल में थोड़ी रखता है एमीटर। देखो जब भी एम करंट ढूंढना है तो एम मीटर लगता है सीरीज में, तभी रीडिंग देगा, इतना लगा दो कि 0 एम्पेयर देगा। ठीक है, सिमिलरली वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो ये भी गलत लगाया हुआ, सीरीज लगाया हुआ। तो अब आपसे बोल रहे हैं जॉन का जो है वो सर्किट करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये तो बात, आई एम प्रिटी श्योर कि इन्होंने आपको बोला है कि वोल्ट मीटर और एम मीटर, उन्होंने बोला फिलामेंट लैम्प का हमें मेजर करना है वोल्टेज और करंट, तो आप फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस वोल्ट मीटर, एम मीटर फिलामेंट लैम्प के सीरीज में लगा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है स्विच कहाँ जाएगा? बैटरी भी सीधी कर दी हमने, वोल्ट मीटर एम मीटर भी ठीक कर लिया, स्विच किधर जाएगा, हम स्विच किधर लगाएंगे? स्विच सीरीज में लगता है ना, प्लस माइनस को रिवर्स नहीं करेंगे, मैं स्विच यहां से निकाल के यहां लगा दूंगा सीरीज में, सीरीज में लगा दूंगा ना, पैरेलल में नहीं। स्विच कभी भी पैरेलल में नहीं लगेगा, जब भी पैरेलल में लगाओगे वो शॉर्ट करेगा चीज को। ठीक है, पंखे का स्विच भी पंखे के साथ सीरीज में है, लाइट का स्विच भी लाइट के साथ सीरीज में है, टीवी का स्विच भी, ये भी सीरीज में लगा हुआ है अब टीवी के साथ, हर चीज, हर स्विच सीरीज में जाता है। ठीक है, सीरीज का क्या मतलब, एक लाइन में साथ लगा दो। ठीक है अच्छा, नाउ लेट्स करेक्ट दिस सर्किट, इसी सर्किट को सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये स्विच हटाना है यहाँ से, ये गलत लगा हुआ है, ये हटा देते हैं। ठीक
ठीक है, स्विच हम कहाँ लगाएंगे? स्विच हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्विच आ गया, हमने सीरीज में लगा दिया स्विच। बैटरी को ठीक कर लेते हैं, बैटरी जो गलत लगी हुई थी उसको सही कर लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये आ गया। एम मीटर, अच्छा करंट और वोल्टेज किसका देना है? फिलामेंट लैंप का देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो रेजिस्टर के अक्रॉस तो कुछ मेजर ही नहीं करना, तो उसके पास तो कुछ रखना ही नहीं है। करंट मेजर करना है फिलामेंट लैंप का, तो सीरीज में एमीटर जाएगा, और वोल्ट मीटर कहां पे जाएगा? पैरेलल में जाएगा फिलामेंट लैंप के अक्रॉस, है ना? ऐसा ही होगा। ठीक है जी, करेक्ट हो गया सर्किट, कोई और गलती तो नहीं है इसमें।